सोशल मीडिया आप कितना दिन भर में इस्तेमाल करते हो? सोशल मीडिया तो दिन भर में कम से कम 2-3 घंटे तो सोशल मीडिया में रहती है आजकल के लोग, ऐसे जनरेशन चल रहे हैं क्योंकि आजकल मोबाइल सबके हाथों में रहते हैं। तो और आप कौन से ऐप इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के लिए? जैसे सोशल मीडिया के लिए मैं सबसे फर्स्ट ऐप तो यूज़ नहीं करता, पर यूट्यूब में सब देते हैं, जैसे आज तक का अपना चैनल है उसमें कुछ न्यूज आ जाते हैं शाम को, तो 1 घंटा देखना देखता हूँ। आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट? न्यूज़ में इंटरेस्ट है। और किस तरीके का कोई आपको जो पर्टिकुलर याद रहे हुए कोई जैसे अभी एक ही इंस्टेंस आप बता सकते? जैसे अभी इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, किस प्रकार चल रही है और वहाँ के रिपोर्टर बता रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर बम और किस तरह बम अभी चल रहा है, वो सब के बारे में भी मैं इंटरेस्ट लगता हूँ, इसलिए मैं उसको देखना पसंद करता हूँ। अच्छा, और आपको क्या लगता है सोशल मीडिया में बुलिंग होती है, कोई ऐसा थ्रेट है या फिर ऐसा नहीं होता? फिर से क्या बोले? बुलिंग मतलब लोगों को ट्रोल करना, सताना, कमेंट्स गंदे नेगेटिव करना? नहीं, उसका सोशल मीडिया का ये लक्ष्य नहीं होता कि किसी को ट्रोल करना। हाँ, बट कोई नेगेटिव पेपर रहते तो ऐसा मानते हैं कि ट्रोल कर रहे हैं, पर मीडिया वाले को ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ होता है कि मीडिया वाले थोड़ा बात घुमा के थोड़ा आगे पीछे एक न्यूज़ को 10 बार करना, और वो सही से बताते ताकि आदमी को सही से आम आदमी को अच्छे से पता चले। और लास्ट क्वेश्चन सर, आपको क्या लगता है फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन कोई सोशल मीडिया में कोई बड़ी चीज़ है या फिर कोई बड़ी बात? सोशल मीडिया में अभी जैसे मैं एक न्यूज़ सुना था, जैसे एक बिहार का एक यूट्यूबर मनीष कश्यप है, उसको ऊपर NSA लगा दिया है, मतलब कि NSA होता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, वो किसी को भी लगता है कि हमारे देश लिए वो खतरा है तो उसके ऊपर NSA लगा दिए। मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाला है, तो थोड़ा तो चलता ही है, पर आम आदमी को धीरे पता लगने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उतना भी ये नहीं होता है, थोड़ा बहुत रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।